हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे HDFC AMC के बारे में, जो कि HDFC ग्रुप की कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है और इसमें भारी तेजी हम लोग बनता हुआ देख रहे हैं। ये तकरीबन 2.5% तेजी दिखाता हुआ 2862 रुपए के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिला है। अगर इस स्टॉक के 52 वीक हाई की बात करें तो ये 3446 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो तकरीबन 2000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इसके जो फंडामेंटल्स है उसको भी चेक करेंगे और हम लोगों ने एक पुराने वीडियो भी बनाए थे HDFC AMC के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हुए कुछ दिनों पहले, उसके पोर्शन को भी हम लोग देखेंगे और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय हम लोगों ने क्या अनुमान लगाए थे और अब हम लोगों को आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। उस वीडियो को देखने के बाद हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इसके फुल फंडामेंटल और फर्दर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए लगातार एक आम आदमी के भाषा में शेयर रिलेटेड जानकारी दे रहा हूं और अपने जानकारी को रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के जरिए मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके जो फिनेंशियल हैं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके फिनेंशियल कैसे देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग HDFC AMC के पिछले 5 सालों का एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं और अगर हम लोग इसके सेल्स फिगर को देखें तो इनका सेल्स फिगर जो है लगातार साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप यहां पर देखिए, लगातार बढ़ता हुआ मिल रहा है, एक कंटिन्यूअस जो है ग्रो कर रहा है। और अगर सेम पीरियड में इसके नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में भी इनका ग्रोथ लगातार विजिबल है। ये लगातार काफी हाई ग्रोथ से कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और नेट प्रॉफिट भी इनका जबरदस्त बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट में रिजर्व देखने की कोशिश करें कि आखिर रिजर्व इनका कितना है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इनका रिजर्व भी जो है साल दर साल काफी तेज गति से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि HDFC AMC के जो सेल्स हैं, नेट प्रॉफिट है, काफी हाई ग्रोथ से बढ़ रहे हैं और इसलिए इसके रिजर्व और सरप्लस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली रूप से काफी स्ट्रांग है, जो कि साल दर साल काफी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स हम निवेशकों के सामने लेकर के आ रही है और जिसके वजह से इनके रिजर्व भी काफी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये शेयर जो है लॉकडाउन के बाद से ही काफी मंदी की मार झेल रहा था और हम लोगों ने जो पुराने वीडियो एनालाइज किए थे उस समय हम लोगों ने उस वीडियो में क्या पाया था उसको हम लोग अब चल करके देखते हैं। उसके बाद फिर फर्दर हम लोग इसके प्रेजेंट के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में HDFC AMC के शेयर भाव किस प्रकार से बदल सकते हैं। इस शेयर भाव में हम लोगों को उछाल देखने को मिलेगा और इस बार ये अपने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 2514 रुपए को स्तर को तोड़ करके ऊपर निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कि HDFC AMC 2708 रुपए पर क्लोजिंग दिया है, अपने उस स्तर से लगभग 200 रुपया ऊपर आकर के इसने क्लोजिंग दिया है। और जैसा कि हम लोगों ने उस वीडियो में RSI इंडिकेटर के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि RSI इंडिकेटर इसके अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये और स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि RSI इंडिकेटर अब बढ़ करके लगभग 75 के आसपास पहुँच चुका है और इसके शेयर भाव भी 200 रुपया बढ़ चुके हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में HDFC AMC के शेयर भाव में और हम लोग किस प्रकार के परिवर्तन देख सकते हैं और इसके जो फर्दर स्ट्रांग रेसिस्टेंस और सपोर्ट हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे, किन स्तरों पर हैं और नेक्स्ट जो लेवल होगा वो कहां पर जाता हुआ देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर तीन इंडिकेटर लगा के रखे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो एक रेड वाली लाइन है ये 200 एमए का ग्राफ है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है दोस्तों ये 50 एमए का ग्राफ है, और येल्लो लाइन जो है ये इसके 100 एमए का ग्राफ है। और जैसा कि हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि एचडीएफसी एएमसी के जो शेयर भाव इन तीनों ही स्तरों से काफ़ी ऊपर निकल चुका है। ये अपने 200 एमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एचडीएफसी एएमसी के जो शेयर भाव है अपने बुलिश ट्रेंड में जा चुका है। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर जो ये दो आपको टिप देखने को मिल रहा है, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। और हम लोगों ने ऑलरेडी एक टेक्निकल सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, और अगर हम लोग इस पर ध्यान दें दोस्तों तो जो इमीडिएट सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है ये लगभग 2713 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब ये शेयर जो है ऑलरेडी 2708 रुपये पर क्लोजिंग दे चुका है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अपने स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है उसके आसपास ये क्लोजिंग देता हुआ पाया गया है। तो अब हम लोग आने वाले दिनों में इसके जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखेंगे वो तकरीबन 2888 रुपये पर हम लोग देख पाएंगे आने वाले दिनों में। और जब ये शेयर, तो जैसा कि दोस्तों जस्ट अभी हम लोगों ने पुराने वीडियो में ये देखा, और हम लोगों ने उस समय ये प्रिडिक्ट किया था कि एचडीएफसी एएमसी बुलिश ट्रेंड में जा चुका है, और उस समय तकरीबन एचडीएफसी एएमसी 2708 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था। और हम लोगों ने अनुमान लगाया था दोस्तों कि आने वाले दिनों में एचडीएफसी एएमसी को जो स्ट्रांग रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा वो तकरीबन 288 के लेवल पर देखने को मिलेगा। और जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी देख रहे हैं कि एचडीएफसी एएमसी यहां पर देखिए ये 288 के लेवल पर जाकर के ही इसमें जो है बिकवाली हावी हुई, और ये बार बार कोशिश कर रहा है 2888 के लेवल को ये बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये अभी देखिए दोस्तों ये फिर से कल जो है इसने इस लेवल को तोड़ने का कोशिश किया है दोबारा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो आज हम लोग इस टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में एचडीएफसी एएमसी के शेयर भाव किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, अगर गौर से देखें तो ये कई बार, एक बार, दो बार और ये तीसरी बार, ये 2888 के जो स्ट्रांग रेसिस्टेंस है एचडीएफसी एएमसी के उसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अभी पाया कि एचडीएफसी एएमसी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी तगड़े देखने को मिल रहे थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एचडीएफसी एएमसी, जिसमें कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि ये बुलिश फेज में जा चुका है, और चार्ट को देखने से भी यही पता चल रहा है कि ये बुलिश फेज में जा चुका है और ये बार बार अपने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस लेवल को ये तोड़ करके अब ऊपर निकलता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो, जैसा कि हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर देखिए, अपने 50 एमा, 100 डेज एमा और 200 डेज एमा से काफी ऊपर निकल चुका है, और ये काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया था। आप यहाँ पर देखिए ये काफी दिनों तक जो है कंसोलिडेशन में रहा, और इसने अपने स्ट्रांग रेसिस्टेंस को यहाँ पर बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम लोग दोस्तों लेवल की बात करें कि आखिर अगर ये 2888 के लेवल को ये तोड़ता है तो हम लोग इसको कहां पर जाता है वो देख सकेंगे, किस स्तर पर इसे वापस जो है रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहां पर दोस्तों साफ साफ देख रहे हैं कि जो इमीडिएट नेक्स्ट इनका जो टारगेट होगा वो तकरीबन, अगर हम लोग दोस्तों ध्यान से देखें कि जो इमीडिएट इनका जो रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में ये तकरीबन 3141 यानी 3141 रुपये देखने को मिल सकता है। तो हम लोग दोस्तों अब ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में एचडीएफसी एएमसी के शेयर भाव जो हैं हम लोगों को 3100 के पार जाता हुआ देख पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।
और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।